अनीला बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान खत्म कर दिया और दोबारा तुम अपना घर बसाने जा रही। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी हर दुआ का महवर तुम हो बेटा। शुक्रिया अबू। अंकल, हमारे लिए कोई दुआ नहीं है। अरे बेटा, तुम तो खास तारीफ के मुस्तहिक हो। तुम्हारी आमद मेरी बेटी के लिए फरिश्ते की सी आमद है। बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। बस बेटा, कोशिश करना कि मेरी बेटी को आगे कोई तकलीफ ना हो। आप फिक्र ना कीजिए अंकल, अब अनीला मेरी जिम्मेदारी है। हम अपनी बेटी को बहुत मिस करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, आप क्यों मिस करेंगे? जब जी चाहे मिलने आ जाइएगा। अल्लाह पाक मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। भाई, अब हमें भी इजाजत दीजिए, काफी रात हो रही है। जी जी, क्यों नहीं, अनीला अब आपकी बेटी है, आप ले जा सकते हैं। बेटी सदा पूछिए, अल्लाह तुम्हारे घर आबाद रखे, कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। शौकत, ये देखो, ये प्यास लाल हो रही है, इधर आओ। अरे मैम, आप छोड़ दें, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ, कर लेना, जैसे मैं बताऊँ वैसे ही। जी जी, बस ध्यान रखो, मसाला जलना नहीं चाहिए। अरे यार शौकत, तुम पानी नहीं रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब पानी मैं भर देती हूँ। अरे ये करेगा, तुम ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। कौन सी जिम्मेदारी भाई? आप सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। पापा, आप सबको मेरे हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है। ऑलराइट, रूल ऑफ द हाउस, यू विल कॉल मी मलिक साहब, ठीक? और जहां तक बात रही खाना पकाने की, शादी के दूसरे दिन ही? हाँ, तो क्या हुआ? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, सब अच्छा है। आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम सब नाश्ता करते हैं साथ में। मैं अदील को भी जगा देती हूँ। ढीले इंसान, रात को पानी नहीं रखा तुमने यार। मैं भूल गया था साहब जी। चलो बनाओ, तुम बनाओ। मैं बना रहा हूँ बस, आपके लिए नाश्ता बना रहा हूँ मैं अभी भी। बस दो मिनट लगेंगे सर। ये मैंने आपके लिए अंडा बना दिया, देखें फटाफट। माशाल्लाह। किस बात पे? मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत खुशी हो रही। पता है, जब इंसान टूट जाता है और किसी तरफ से उसे कोई सहारा नहीं मिलता ना, तो फिर वो अपने अल्लाह से ही लौ लगाता है।
बेशक अल्लाह ही दिल के जख्मों पर मरहम रखने वाला है। बस दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए आसानियां करे, मेरे गुनाहों को माफ करके मेरी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। वैसे ये बात हकीकत है शगुफ्ता, जब इंसान सेहतमंद होता है तो अल्लाह को याद नहीं करता, मगर जैसे ही बीमार हो या परेशानी में हो तो उसे अल्लाह याद आता है। हो सकता है ये हालात की खराबी भी अल्लाह की तरफ से वार्निंग हो हमारे लिए, और वो चाहता हो कि अब भी लौट आओ मेरी तरफ कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। तुम्हारा रूप भी बदल गया और तुम्हारी सोच भी बदल गई। बदलना पड़ता है रशीद, क्योंकि पिछले दिनों में जिस अजाब से गुजरी हूं ना, वो तो सिर्फ मैं और मेरा रब ही जानता है। वाकई फालिश के बाद तुमने बहुत बुरे दिन देखे। अच्छा ये बताओ, अनीला की शादी साथ खैरियत के निपट गई थी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी दुआ है कि वो जहां रहे खुश रहे सलामत रहे। तुम्हारी जबान से अनीला के लिए दुआएं सुनकर यकीन जानो मुझे बहुत राहत मिल रही है। अब यानी मैं वो पहले वाली शगुफ्ता नहीं रही ना? बिल्कुल। अच्छा मैंने आमना से चाय के लिए कहा है, आओ दोनों साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। और हाँ, वो मैं रात को खाना ले आया था, आमना से कहना दोपहर को तुम्हें गर्म करके दे देगी। ठीक है, आप चले मैं आती हूँ। शुक्र है रशीद, तुम्हें मेरा ये रूप तो पसंद आया, लेकिन बाखुदा मेरी ये इबादत झूठ और फरेब पे नहीं। रशीद, अनीला की शादी खैर से निपट गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र। शुक्र है कि वो अपने घर की हो गई। ये भी अल्लाह का करम है कि उसके बुरे दिन खत्म हो गए। शगुफ्ता, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें अनीला की शादी की खुशी हुई। अब्बा, इस दफा भी हम अनीला के घर पे नाश्ते पे जाएंगे जैसे पहले हम हमजा भाई के घर गए थे? नहीं बेटा, फजीला भाभी ने भी कहा था कि हम नाश्ता लेकर आए, मगर उसके घर वालों ने मना कर दिया कि इस तकल्लुफ की कोई जरूरत। बस हर घर की अपनी अपनी रस्में होती हैं। कैसे लोग हैं? बेटा बहुत अच्छे लोग, अल्लाह का बड़ा शुक्र। हमजा भाई से भी ज्यादा अमीर है? हाँ बेटे, उनसे ज्यादा अमीर भी हैं और उनसे ज्यादा बड़े खानदानी भी। उसके घर में अब कोई देवर तो नहीं है ना? जबान संभाल के बात क्या करो, जो मुंह में आता है बक देती हो। ये तो देख लिया करो कि सामने कौन बैठा है। जब बात करने की तमीज ना हो ना तो अपना मुंह मत खोला करो। बहुत दुख हुआ है मुझे तुम्हारी इस बात का। देखो, अपने बाप का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया तुमने। अब ये सोच लिया करो कि बाप सामने है, किसके सामने क्या बात करनी है। तरीका होता है कुछ।